जी हाँ दोस्तों, हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार कल का जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो हमारे साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। दोस्तों बता दें कि हमारे ज्योतिषाचार्यों और वैज्ञानिकों की तरफ से ये जानकारी साझा किया गया है कि जो कल 2 अक्टूबर 2024 को हमारे देश में सूर्य ग्रहण लगने वाले है वो सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। तो आइए इस सूर्य ग्रहण का सही समय सूतक काल हम आपको इस वीडियो के अंदर तो पूरी जानकारी के साथ बताएंगे ही। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि ग्रहण के दौरान आपको कौन उससे काम बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इस सूर्य ग्रहण को लाइव कैसे आप देखेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यह जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे भारत देश में पूरी तरह से दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, और हमारे भारत देश के अलावा और कौन कौन से देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बारे में A to Z जानकारी जो भी कुछ है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भारत के चाहे कहीं से भी हैं और इस सूर्य ग्रहण बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो सूर्य ग्रहण है वो आश्विन माह की अमावस्या तिथि और प्रतिपक्ष की अमावस्या में लग रहा है। दोस्तों बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे दिन में नहीं बल्कि रात में दिखाई देगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे भारत देश में केवल आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। हमारे भारत देश के अलावा अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसके अलावा अटलांटिक प्रदेश और साथ साथ कनाडा देश में यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा, बाकी हमारे भारत में केवल इसका सूतक काल ही नजर आएगा। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हमारे भारत देश पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि हमारे वेद शास्त्रों और ज्योतिषियों ने यह जानकारी दिया है कि ये जो हमारा सूर्य ग्रहण है वो सबसे लंबा चलने वाला है और इसका प्रकोप हमारे भारत देश पर पड़ेगा क्योंकि यह नवरात्रि के समय पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही समय क्या है। तो फ्रेंड्स बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो रात 9:14 पर शुरू होगा और उसी देर रात 3:17 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे 3 मिनट तक रहने वाली है। यानी कि ये साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हमारे ज्योतिषियों की तरफ से साबित किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि हमारे ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों ने किन किन काम को इस सूर्य ग्रहण के दौरान करने के लिए मना किया है। तो फ्रेंड्स बता दें कि जब से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा तब से लेकर आपको भोजन का ना ही सेवन करना है ना ही आपको भोजन पकाना है। दोस्तों बता दें कि 9 बजे के बाद आपको कोई भी काम आपको नहीं करना है क्योंकि रात 9 बजे से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 9 बजे से पहले आपको सभी काम अपना कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और दोस्तों सबसे खास बात है कि यह जो सूर्य ग्रहण है वो नवरात्रि के समय लग रहा है तो इसीलिए इसमें ज्यादा खतरा की संभावना है। इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने इस सूर्य ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी घर से निकलने के लिए मना किया है। और दोस्तों बता दें कि आप इस सूर्य ग्रहण को लाइव कैसे देख पाएंगे तो इसके लिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूं जहां पे आप क्लिक करके इस सूर्य ग्रहण को लाइव घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो 12 राशियों पर बुरा प्रभाव डालेगा। जैसे कि अगर आप मीनू राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि, इसके अलावा मेष राशि, साथ ही साथ अगर आप सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, इसके अलावा अगर आप मिथुन राशि से हैं तो इन सभी राशि के जातकों पर यह सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा घातक प्रभाव डालेगा। तो आपको बिल्कुल भी बचकर रहना है और आपको सावधान भी रहना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सूर्य ग्रहण की जानकारी आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।